अच्छा आप मुझे इसीलिए खेलेंगे हां मुझे वो बुलवाने के लिए पांच हो गया और चलिए चलिए छूटा गया हां चलिए छूटा गया नहीं गया ये रिस्ट का कोई ना कोई चार्ट सीनियर के गोस्वामी जी हैं यार के गोस्वामी सॉरी गोस्वामी जी नमस्ते हम ये बताएंगे उन चीज़ों के बारे में जी सर बताया आज का ये कई पर्व कई शुभ अवसर कई शुभ मौका एक साथ सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी कृष्णा जी का जन्माष्टमी उन्होंने माखन चुराया था आज हम लोगों ने माखन चुरा के खा रहे हैं दूसरी चीज़ है कि आज हमारी आज़ादी का दिन है आज के दिन हमारे पूर्व में हमारे नेताओं ने हमारे सैनिकों ने आज के दिन आज़ादी का जश्न मनाया था आज हम लोगों ने मनाया आज मैं बहुत खुश हूँ आज फ्री दिन है मेरी और मैं आज के डेट में कुछ भी काम शूटिंग वूटिंग सब छोड़ के अपने घर पे जश्न मना रहा था तो फिर प्रभात जी ने मुझे बुलाया बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी और ये जानकारी मिली कि हमारी भोजपुरी फिल्म की म्यूजिक की लंच हो रही है तो मैं खुशी से उछला और दौड़ते हुए आ गया बारिश में देखते हुए कि हमारी भोजपुरी जिसकी जिनकी कमाई मैं खाता हूँ हमारे मैं भोजपुरी जगत का लड़का हूँ मैं बिहार का लड़का हूँ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट मेरा घर है मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ और हमारी भोजपुरी हर देशों में बोली जाती है इसलिए अपनी भाषा के लिए मैं दौड़ के आया बारिश में और हम से म्यूजिक है ये SR म्यूजिक में इनकी म्यूजिक बहुत अच्छी बनी है और मैं चाहूँगा कि इनकी फिल्म बने मैं इसमें धमाल मचाऊँ इसी बात में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ सर आप क्या कहेंगे एक्चुअली स्टार्ट करते हैं एट फर्स्ट हमने ये सोचा था कि एक हिंदी म्यूजिक चैनल जो है नया लॉन्च करना है तो जैसा प्रभात जी ने बताया कि आशीष बहुत अच्छा सिंगर है और भोजपुरी वर्ल्ड में अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो ये लड़का जब प्रभात से मिला तो प्रभात ने बताया कि सर उसकी रिक्वेस्ट है और हम लोग बिलोंग्स भी करते हैं भोजपुरी वर्ल्ड से तो एक भोजपुरी चैनल को शुरू किया था तो बस उसी हिसाब से हमने सोचा ठीक है करते हैं तो आनंद फानन में ये रखा गया प्रोग्राम और आज के दिन लॉन्चिंग कर एक्चुअल में आशीष का आज बर्थडे भी था और 15 अगस्त है और दूसरा चीज़ क्या है कि माखन चूर का आज बर्थडे है तो हमने सोचा इससे अच्छा शुभ दिन हो नहीं सकता है तो हमने आज शुरू किया सर आप क्या कहना चाहेंगे आज म्यूजिक कंपनी के साथ साथ हम लोग कंपनी जो भोजपुर में सबसे बड़े कंपनी है
वहाँ से लो उससे हटके कुछ गाना है भोजपुरी गाना बहुत हर जगह पे चलता है इंडिया से बाहर भी चलता है तो हमने सोचा कुछ अलग ही हटके आया कुछ अलग करना है इसलिए आज के दिन हमको फीडबैक से मुझे कंपनी में बात की सर एक्चुअली काफ़ी बड़ी टेरिटरी है भोजपुरी की वहाँ से लो आज के दिन मैं एक्चुअली भोजपुरी वर्ल्ड के लिए एक नया सा तोहफा भी देना चाहता हूँ मैं अपने एक नई फिल्म का भोजपुरी फिल्म का अनाउंसमेंट करता हूँ आज कुछ कुछ होबत है ये फिल्म जल्दी शुरू हो जाएगी नवंबर तक में फिल्म स्टार्ट हो जाएगी और कंप्लीट हम नए स्टार के साथ काम करेंगे थिएटर वर्ल्ड से जो रिलेटेड रहेंगे उनके साथ काम करेंगे और कंप्लीट साफ सुथरी फिल्म बनाएंगे वाह सर आप क्या करना चाहेंगे सर आज आशीष का बर्थडे है और ढेर सारी खुशियां हैं और एक नई लॉन्चिंग के साथ आपने पूरा मतलब एक प्रकार से सिर आशीष के सिर पे हाथ रख दिया है आगे बढ़ाने के लिए आशीष मेरा एक छोटा भाई की तरह है और आज उसका बर्थडे था तो मैंने बोला उसको एक कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट दूं और मैंने बोला चलो ठीक है कुछ हटके करेंगे इसमें अभी हम लोग पहले हिंदी म्यूजिक चैनल लॉन्च करने वाले थे बट हुआ कि आज आशीष का बर्थडे है और आशीष का क्या हमारे मातृभूमि से है हमारे जौनपुर से है हमने बोला आशीष को कुछ एक स्पेशल सरप्राइज़ दे और आशीष के लिए हम एक चैनल नया जो आशीष के माध्यम से हमने ओपन किया है और गाना तो बहुत अच्छा आशीष गाता है बाकी सर अपने बारे में और कंपनी बारे में बताइए सर मैं बेसिक एक रियल इस्टेट कंपनी से हूँ और मुझे इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज देता है लाने वाले तो प्रभास सर हैं जो हमारे गुरु भी है और बड़े भाई साहब भी हैं और आशीष का कुछ है, हमें आवाज़ अच्छा लगता था हमेशा सुनते थे तो मैंने यार कुछ ये लड़के के साथ कुछ करना है इसलिए हम नया चैनल चालू किया और नया गाना जहाँ तक ऑडियंस को मुझे लगता है कि बहुत पसंद आएगा अब और एक हमारा दो गाना हिंदी में बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है जो शाहिद माल्या जी और सबब सबरी जी ने गाया हुआ है आई थिंक सब जानते होंगे सबब सबरी को बहुत अच्छे बहुत बड़े स्टार है सिंगर में एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा सभी म्यूजिक जो है नए सिंगरों के लिए नए ग्रो के लिए खुला मंच होगा जो भी जिनको फील होता है कि उनमें थोड़ा सा भी टैलेंट हो या कुछ कर सकते हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम है सभी म्यूजिक कंप्लीट ओपन है ये आपका प्लेटफॉर्म है आपका मंच है आप यहाँ आए अपनी कला को निखार आपको कम्प्लीट सपोर्ट करेंगे हर ढंग से सपोर्ट करेंगे जिनको स्ट्रगल करना पड़ता है मतलब काफ़ी टैलेंट रखना है लाइक एनएसडीएन वगैरह काफ़ी स्ट्रगल करते हैं या काफ़ी अच्छे सिंगर वगैरह भी स्ट्रगल करते हैं बिकॉज उनके लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं बन पाता तो यहाँ पे कंप्लीट आपको सपोर्ट मिलेगा एक अपनापन मिलेगा एक भाईचारा मिलेगा और आपको पुश करेंगे जितना हो सके हम आपको थैंक यू थैंक यू आशीष जी को आज चंद दिन में म्यूजिक भी लॉन्च किया आज बहुत खुशी की बात है आज हमारा देश भी आज़ाद हुआ है और 71वीं वर्षगांठ मना रहा है और आशीष जी का जन्म भी है ये तो बहुत खुशी की बात है और आशीष जी बहुत प्यारे और नेक इंसान और अच्छा काम कर रहे हैं बहुत आगे जाएंगे मेरी यही शुभकामना है उनके लिए सर आप क्या कहना सर मैं सारे गामा स्टूडियो का मालिक हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग किए हैं जो है मैं चाहता हूँ अच्छे से अच्छा लोग सिंगर हमारे यहाँ आए और रिकॉर्डिंग करें अभी नया नया हाल में ही मैंने लिया है मैं चाहूँगा अच्छा से अच्छा सबको जो है गाने का चाहे भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो या मराठी हो सबको हम अच्छे से म्यूजिक के लिए इनवाइट करें सर आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे आशीष जी का जन्मदिन है इसी मौके पे वो अपनी एल्बम रिलीज़ कर रहे हैं बहुत अच्छा गाते हैं
बहुत अच्छा एंटरटेनर है, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं और उम्मीद है इस एल्बम का म्यूज़िक हमने दिया है, उम्मीद है आप लोग सब बहुत प्यार दोगे उसको जैसे हमेशा देते आए हो। धन्यवाद सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, शुभकामना, क्या शुभकामना देना चाहेंगे आशीष राजा को? आशीष यादव जी को ये शुभकामनाएं देना चाहेंगे, आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पे हम उनको ये स्पेशल सा तोहफा भी देना चाहते हैं कि वो अपने करियर में बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं तो सो उनकी बहुत सारे सॉन्ग्स आए, बहुत सारी फिल्मों में वो जाए, उनके सॉन्ग्स अच्छे से चले और हम चाहते हैं वो सुपरस्टार भी बने। यहाँ इतनी तक हम दुआ करेंगे और ये हम उन्हें उनका बर्थडे विश करते हैं। मैडम आप क्या बोलोगे? बस हमारी तरफ से आशीष जी को बहुत 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 शुभकामनाएं जन्मदिन की और आज गोकुलाष्टमी भी है और 15 अगस्त भी है, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे फ्रेंड्स का बर्थडे है इसीलिए हमारी बहुत दिल से शुभकामनाएं हैं कि बहुत आगे बढ़े और खूब तरक्की करें। मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को नमस्कार प्रणाम सरभ्या और 15 अगस्त की तरफ से सभी को बधाई हो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे, जो भी हो फेस्टिवल, क्योंकि ये फेस्टिवल है हमारा सबसे बड़ा और इस अवसर पे आशीष सर का मतलब बर्थडे पे तो इससे बड़ा चीज़ और कुछ नहीं हो सकता उनके लिए। और मैं भोजपुरी सॉन्ग्स के भी जो भी हो उनके लिए बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, आप जो भी बनाओ वो पब्लिक के लिए होना चाहिए, एक फैमिली टाइप का होना चाहिए, जो भी मतलब मूड बनती है ना कुछ होता है कि हम लोग देख नहीं सकते, बट इस बार जो SRP म्यूजिक कंपनी लॉन्च हुआ है जिसमें प्रभात सर है, राज भैया है, सिंह भैया है, वो लोग बहुत कॉपरेट करने वाले हैं, एक भोजपुरी को सही मुकाम पर पहुँचाने वाले हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं प्रभात को देना चाहती हूँ, उन्होंने ये मंच मुझे दिया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं झारखंड और बिहार का नाम रोशन करूँ क्योंकि मैं अभी स्ट्रगल ही कर रही हूँ, तो अभी मेरे लिए सुपर स्टार का तो वो मिल नहीं सकता क्योंकि मैं खुद अपने कामों से नाम कमाना चाहती हूँ। तो जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत कॉपरेट किया, उन सबको धन्यवाद, आप सबको भी धन्यवाद, थैंक यू। आप क्या कहना चाहिए? नमस्कार प्रणाम, हम आशीष यादव राहुल राजा और हम हर बार इस चैनल के माध्यम से को अपील करेंगी और आज हमने के लिए बहुत खुशी के पल बा, कहें कि चार पर्व हमने के सामने बा, आज 15 अगस्त स्वतंत्र आज़ाद आज हमने के त्यौहार है बा देश का और दूसरी चीज जन्माष्टमी, आज कृष्ण भगवान के जन्म भइल बा और आज के दिन हमरो जन्म भइल बा और सबसे बड़ी खुशी की बा कि इतना त्यौहार के बीच में वो दिन पे वो पल वो टाइम पे आज हमने जा अपने कंपनी के लॉन्च करतनी और वो कंपनी में गाए गीत के लॉन्च करतनी, तो ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा अवसर पल टाइम है और हमारे सबसे बड़े आयोजक हैं हमारे प्रभात सर जो कि हमको इस चैनल को अयोग्य समझे, मुझे गाना गवाए और बोले कि नहीं आशीष जी आप मेरे कंपनी में आप हमेशा गाना गाएंगे, तो ये कंपनी के ब्रांड बना के रखे और हमारे सर हैं बहुत अच्छे एक्टर हैं ये राजू सर हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं और हमारे कार के सबसे बड़े वो हैं जो जैसा कि आप लोगों ने डेमो पोस्ट पे देखा कि पांचों गाना जिसको हम लोगों ने गाया हम दो भाई और ये हमारे सिंगर सोनू जी हैं, दो गाना गाए इन्होंने, ये बताएंगे अपने बारे में। नमस्कार, मैं सोनू सिंह और ये गाना जो पाँच हुआ है मेरे भाई ये आशीष जी तीन गाना किए हैं और दो गाना मैं लेके आऊँ और ये जितने भी चैनल तमाम चैनल पे सब में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एक बार आप लोग सुनिए इस गाने को और जो भी गलती होता है आप लोग बताइए, हम जरूर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ये हमारे भैया हैं प्रभात सर
और ये हमारे और इसमें का गाना मैं आपको चाहूँगा जो गाना है एक एक लाइन में सब गाना को प्ले करूँगा जी हाँ पहले एक गाना जी हाँ वो गाने को मैं चाहूँगा सुनाना। बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत उमदा म्यूजिक मिली है मुझे, बहुत अच्छी लिरिक्स है, तो मैं चाहूँगा उस गाने को आप लोग को सुनाना। एक गाना है ये तोहरा में बसे माई हमारो परानावा हो, रात दिन रहे बस रौरे ध्यानावा हो, मन कूदे नाचे गावे जब राउर दर्शन पावे, बड़ा निक लागे माई राउर धमावा हो, हम हई माई राउर मंदिर के सेवका हौ तू हमार महारानी हो, हम हई माई राउर मंदिर के सेवका। एक मेरा ये गाना है और एक है जौनपुर नगरिया शीतला मैया बाड़िए राजा जी, हाँ मैया बाड़िए राजा जी, हम हूँ चलब करेला पूजैया सुनाए राजा जी। ये है और तीसरा गाना मेरा ये ना पूजे चरनिया राज अले राउर धाम मैया, नहीं सॉरी ये गाना मेरा है, ये तीसरा गाना है और ये गाना ये मेरा है, बता रहा हूँ आपको, ये गाना मेरा ये इंडस्ट्री के अंदर आके बजा रहल बा बाजा, हाँ इंडस्ट्री के अंदर आके बजा रहल बा बाजा, बम्बई में देखा छा गई बम्बई में देखा छा गई राउर आशीष राजा। ये है और एक भक्ति गाना मेरा और भी है, ये गाना है मेरा बहुत ही चरनिया गाना एक एक लाइन सुनाए माता रानी का है, सुनिए गाना बहुत प्यारा है। माई के चरनिया में बहुत सी चारों धाम है, सुनाइए माई के चरनिया में बसे चारो धाम हो, बसे चारो धाम हो, तमाई कलिना स्वीकार बेटा करेले अरजिया। ये मुखरा था और अंतरा है और अहुल फुलवा माई हथबा में कलसबा, माई माई कहत हई मिले के ललसबा, ललसा पूरा दामाई बेटा हई तोहर हो, तमाई कलिना स्वीकार बेटा करेले अरजिया। और एक सैड सॉन्ग है मेरा मुआ देलू हमके जान कबर में दफनवानी, ये सैड सॉन्ग है हम मुआ देलू हमके जान कबर में दफनवानी। फिर से मुआ देलू हमके जान, ये मुखड़ा उसका मुआ देलू हमके जान कबर में दफन बानी, गियबो तो के प्यार पे यकीन होई, मुआ देलू हमके जान। ये मेरा मुखड़ा था और अंतरा है कोहनी की सांस लेबे में होता तकलीफ पता न रहे, सांस छीन लेबू हो पतझर सावन मौसम बदल गई फिर भी तू न बदलू हो, काहे तू घमंड करेलू देहिया पे जान, अब केतना के दफू नहींबू हो, मुआ देलू हमके जान कबर में दफन बानी। और भैया लोग जौन गलती हुई पिता के, और एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि SRP म्यूजिक जो हमारी है ये मुझे उम्मीद है अपने श्रोता से और अपने बंधु लोग से कि ये जो म्यूजिक मेरा चैनल है मेरा बैनर है और इस बैनर के ही अंतर्गत आप आशीष को फ्यूचर में जितना गाना भी देखना मिले, जितना एंटरटेनमेंट मैं लोगों के लिए करूँगा, ऑडियो वीडियो इवेंट शो सीरियल जो भी करूँगा इस चैनल के अंतर्गत करूँगा, तो मैं चाहूँगा कि हमसे जुड़े जितने हमारे लोग हैं आभारी लोग विशेष आभार के लोग हैं, हमारे राजू सर हैं जो कि प्रोड्यूसर हैं और कलाकार भी हैं, तो ये प्रोजेक्ट जितना भी हम लोग बनाया अभी हम लोगों ने 5 गाना गाया जिस गाने को आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अवसर पे आए जितने कलाकार कलाकारा
मेहमान गेस्ट जो भी लोग आए हैं, जैसा कि लोगों ने गाना सुना तो उसका यही प्रोड्यूसर है, यही ने प्रेजेंट किया इस गाने को इस चैनल के माध्यम से। और हमारे प्रोड्यूसर हैं, कलाकार हैं, आने वाले इनकी काफ़ी फिल्में हैं और प्रोजेक्ट, और भैया की कंपनी में 50 गाने का एग्रीमेंट हम दोनों भाइयों को मिला है कि इस साल के अंदर कम से कम 100 प्रोजेक्ट उस पर कंपनी में मेरे को डालना है। तो हमारे सर, हम चाहेंगे कुछ खुद ही वो बोले अपने लोगों के लिए या हमारे चैनल कंपनी के माध्यम के लिए। हमारे सर से बात कीजिए। बोलिए सर, बोलिए, जरूर बताइए सर। एक्चुअली आशीष के लिए क्या विश करना चाहेंगे? आशीष हमारा भाई जैसा है, मैं राज भाई मेरा बहुत छोटे भाई, बड़े भाई सब हम भाई दोस्त सब है। तो उन्होंने बोला यार प्रभात, एक आशीष करके बंदा है, गाना बहुत अच्छा गाता है। तो पहली बार मैंने सुना ना, मैं यार वो भोजपुरी वाले सब ऐसे लोग होते हैं, मतलब कोई सुना नहीं। फिर राधे ने बोला यार एक बार सुन लो, आशीष गाना गाता है। तो हम उन्होंने आशीष को बुलाया और इसका जो व्यवहार नेचर तो बहुत ही अच्छा बंदा है, ऐसा ईगो थोड़ा सा भी है। पहली बंदा मुझे भोजपुरी में मिला, इसलिए मैं भोजपुरी काम करना चाहता हूँ। बंदा इतना बहुत बहुत अच्छा बंदा है। तो मैंने गाना सुने, राज भाई घर पर जाकर हम तीनों बैठे, किस टाइप का कंपनी चालू होगा, कंपनी कोई भी चालू कर देता है यार, कंपनी चालू कर दो, कोई भी लोग लड़कियाँ लेकर आओ गाना बजा दो डाल दो, ऐसा नहीं। और मुझे एक उम्मीद है कि भैया जिस तरह से गाना प्रेजेंट किए हैं, जिन ये डायरेक्टर हमारे भैया, जैसे कि मैंने बताया राजू सर हमारे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस भी करते हैं और एक्टर भी हैं, अभिनेता भी हैं। तो ये हमारे सर डायरेक्टर हैं, जैसा कि इन्होंने इनका क्लिप मैंने देखा, जो इनका पैकेज था, प्रोडक्ट था, उसको मैंने देखा, तो मुझे लगा कि नहीं भोजपुरी में एक नयापन होगा, एक नया अध्याय होगा, जैसा कि इन्होंने प्रेजेंट क्लिप को बनाया है। तो अगर उस तरह का इन्होंने भोजपुरी को अगर सोचा, हमारे जैसे लोगों कलाकार को सोचा कि नहीं अगर इस तरह से बनाया जाए कुछ भोजपुरी में हट के चीज़ें, क्योंकि आज जो भोजपुरी में जो पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न से हटकर इन्होंने कुछ एक डिसेंट क्लास जो बोलते हैं वो चीज़ को इन्होंने लाया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इनका बनाया हुआ प्रोजेक्ट हमारे श्रोता ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाला है। टारगेट ये है, ये चीज़ करना, चाहे भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो, बहुत अच्छा करना है ताकि क्लास करना है, ताकि हमारी जो ऑडियंस है जो एक ही चीज़ को घिस घिस कर देख रही है उसमें एक नयापन उसको देखने को मिलेगा। ये हमारे चैनल के अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट जाएगा, मुझे आसानी विश्वास है कि जो आशीष के चाहने वाले लोग हैं वो अब आशीष को कुछ उनको अलग मिलेगा। जैसे हमारे म्यूजिक देखा, जैसे मैंने बहुत से गाना गाए, अभी मेरा गाना जल्दी में आया, पीला कवरिया गाजा कहे आशीष राजा, फिर देवघर जाता आशीष राजा, गायक बना दी माई आशीष के, आजा आशीष राजा, आशीष राजा बॉम्बे से आजा, तमाम मेरे लगातार गाना जाते। लेकिन अब ये मेरा गाना जो जाएगा इस चैनल के माध्यम से, मुझे विश्वास है कि अब बहुत, जैसा कि मेरी पब्लिक चाहती है, जैसे मुझे सुझाव देती है कि नहीं आशीष सर ऐसा गाना गाइए, आप सब गाना गाएँ, भक्ति गाना नहीं गाए। तो अभी हमने 5 गाना उसके लिए भक्ति, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक से मेरा लोकगीत का तैयारी चालू होने, मैंने बताया ना रोमांटिक सॉन्ग है, फिर लोकगीत है, सीजन बाई सीजन के गीत, फिर होली के गीत है। तो ये चैनल के माध्यम से पहले होली अगले साल है देखने को मिलेगा आप सभी को। ये महीना एंड तक 15 गाने आने वाले हैं। राजू सर आप क्या करना चाहेंगे? हाँ राजू सर, आप इसके साथ चलते चलते क्या करना चाहेंगे? आशीष सर बहुत छोटा भाई क्या कहना चाहेगा? आशीष जी क्या कहना चाहेंगे आप? आशीष मेरा एक छोटा भाई की तरह है, जो हमारे गांव हमारे जन्मभूमि से है और मैं जौनपुर से पढ़ा हूँ डिग्री कॉलेज से, और आशीष जी बाबा सुंदर हमारे जौनपुर का हमारे मातृभूमि से। और मुझे अच्छा लगा यार कि मेरे गांव वाला बंदा और इतना अच्छा गाना गा रहा है, क्यों नाम इसके साथ बुलाया, फिर मिला बात किया, काफ़ी अच्छा नेचर से भी है आवाज़ तो खैर गाना नहीं गाता, दिल से गाना गाता है, मतलब रिकॉर्डिंग देखा है। ये बात क्या मतलब यार, बात करें इनके लिए कुछ करें, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, अभी हमारा एक हिंदी चैनल भी लॉन्च होने वाला है SRP म्यूजिक करके, वो भी नहीं है SRP भोजपुरी है, SRP म्यूजिक है। और फिर आशीष ने बोला है यार नया कंपनी क्यों नहीं हम डालते, जो आशीष ही करें, करे अभी आशीष का हमने 50 गाने भी फिक्स कर दिया है, आगे हमें 100 गाने करने हैं। हर हफ्ते में आशीष का गाना सुनते आपको मिलेगा, हर हफ्ते आपको 5 गाने जरूर मिलेगा सुनने को आशीष का। और जितने ऑडियंस है मैं चाहता हूँ आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे, ये कंपनी ऑडियंस का और आशीष का है, ये कंपनी आप लोगों का है। नहीं, और मैं अपने ऑडियंस से और लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसा कि भैया लोगों ने मुझे योग्य समझा है कि नहीं इन लोगों को गाना मेरा पसंद आया है, तो भैया लोगों को कभी मैं निराश नहीं करूँगा और अपने ऑडियंस को कभी निराश नहीं करूँगा, जैसा वो लोग चाहते हैं वैसा ही गीत संगीत हम लोग इस चैनल के माध्यम से भेजते रहेंगे उन लोगों के बीच में। और कोई भी आप
और मैं चांद आलम आशीष भाई के साथ काम करता हूँ उनके हर प्रोजेक्ट में, और आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट है सब मैं मतलब मैं दिखता ही रहूँगा, और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्ची गौर, जो ये हमारा मतलब अभी न्यू गाने आए हैं आशीष राजा बजा रहा बाजा, तो उसमें मैंने सिंगिंग किया है, मैंने उसमें सॉन्ग गाया और मैंने पहली बार वो गाना गाया क्योंकि मैंने आज तक कभी सिंगिंग किए नहीं थी, तो मेरा पहला एल्बम है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको प्यार दुलार बढ़ाएं और इसको जितना से उतना मतलब सब पसंद करें, क्योंकि अगर आप लोग पसंद करेंगे तो मुझे आगे और गाने का मौका मिल सके साइंस से। और मैंने काफ़ी पहले काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं, मतलब एल्बम किए हैं, और मैं अभी आशीष के साथ में आगे का प्रोजेक्ट करने का बात चल रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद बना रखें और